कॉज मुझे बहुत ठंड। बस कैमरा एक्टिंग, कैमरा में एक्टिंग देख देख। बट धीरे धीरे बहुत हल्के हल्के फ्लेक्स देख रहे हो। मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ, फाइनली मुझे बर्फ पड़ते हुए देखने को मिल गई है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये है मनाली व्लॉग का सेकंड पार्ट एंड मैंने अपना रूम टूर तो आप लोगों को पिछले व्लॉग में दिया ही था, अगर चेकआउट नहीं किया तो ज़रूर करना। एंड या दिस इज़ द फर्स्ट डे आई वुड से कि हम लोग इधर हैं। अभी हम लोग पहुँचे ही थे तो अभी हम लोग जाने वाले नीचे प्रॉबेबली लोकल साइट सीइंग के लिए। एंड अभी ना थोड़ी देर पहले इधर धूप निकल गई थी पर अभी फिर से मौसम ऐसा डल सा हो गया है तो मेरी होप्स बढ़ रही हैं कि शायद से स्नोफॉल हो ही जाएगी। बिकॉज लास्ट ईयर जब हम लोगों ने न्यू ईयर की ट्रिप की थी धर्मशाला तो तब मैंने स्नो देखी थी, बट इस बार मेरा बहुत मन है कि मैं स्नोफॉल देख पाऊँ। तो अभी हम लोग तो नीचे लोकल साइट सीइंग के लिए जा रहे हैं, सो आई विल जस्ट चेंज एंड आई विल सी यू देन। And I have changed. This is my outfit for the day. I'll give you a full look. ये है मेरा आज का पूरा outfit. I know I have put on a lot of weight, but anyways, I'm loving this look. मैंने इसके ऊपर एक shorts भी बनाया था, आप लोग checkout कर सकते हो, सारी outfit details वहाँ पे दे रखी है। Now I don't know कि आज का plan क्या है, हम कहाँ जाने वाले हैं, but अभी सबसे पहले तो आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस लुक। ये जो मेरी बालकनी का व्यू है बहुत मुझे पसंद आ रहा है, तो सबसे पहले तो मैं जाके अपने भाई से बोलने वाली हूँ कि मेरी फोटोज खींच दे एंड उसके आगे हम देखते हैं कि क्या करने वाले हैं। फोटोज प्लीज। ये हमारे घर वाले सब रेडी होके फोटोशूट यहाँ पे चल रहा है। हाय तो बोल दो मेरे ब्लॉग को, मेरे घर वालों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मेरे ब्लॉग में। कहाँ जाने वाले हैं आंटी आज, हम क्या प्लान है आज का? रोड जाएंगे, फिर व्यास नदी जाएंगे। आज जा रहे हैं नदी के पास? अभी तो जा रहे हैं व्यास नदी में नहाना है, डुबकी लगानी है। हमने बाथरूम में, ये वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने ये वो लोग बोल रहे हैं जिन्होंने बाथरूम में नहाया नहीं है, वो व्यास नदी में नहाने वाले। एनीवेज अभी हम यहाँ पे थोड़ी बहुत फोटोज खींचेंगे, उसके बाद जहाँ जहाँ जाएंगे आई विल टेक यू गाइस। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, क्योंकि वेदर प्रेडिक्शन मुझे लग रहा है सही होने वाली है, बिकॉज अभी हम लोग जस्ट होटल के बाहर निकले थे कि कहीं आस पास जाएंगे एंड बारिश शुरू हो गई है, इट इज ड्रिजलिंग। बस हम भीग ना जाए क्योंकि हम में से कोई भी रेनकोट या छाता वाला कुछ नहीं लेके आया है। एंड माई स्किन इज फीलिंग अ लॉट ड्राई, पता नहीं क्यों, मे बी ठंडी की वजह से, पर बारिश आ गई है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि जाए या ना जाए, यहाँ पे सब डिस्कशन चल रहा है। लेट्स सी व्हाट टू डू। अरे हामटा है बोल, ऊपर कहीं ऊपर। हामटा नहीं पापा, हामटा, ये हामटा रोड है, वहाँ हामटा पार्क है। अरे ऐसे लोकल पार्क होगा, 15 किलोमीटर है नीचे ऊपर। तो अभी हम निकल चुके हैं एंड हम लोग ये जगल कर रहे थे सब लोग कि राइट जाए कि लेफ्ट जाए, क्योंकि हम लोगों को अभी इधर का कोई आइडिया नहीं है एंड बिकॉज ऑलरेडी 3:30-4 बज चुके हैं। तो हम लोगों को इतनी दूर नहीं जाना कि हमें आते आते लेट हो जाए, क्योंकि एनीवेज बारिश होने लग पड़ी है। तो अभी हम लोगों ने राइट डिसाइड किया और अभी हम राइट तरफ की रोड पर आगे बढ़ गए हैं एंड डेस्टिनेशन कंफर्म नहीं है जहाँ पहुँच जाए। बीच रास्ते में सबके फोटोशूट चल रहे हैं। ये रोड लीड करती है माल रोड की तरफ, तो प्रॉब्ली हम लोग वहीं पहुँच जाएंगे चलते चलते, अगर कैब करना हुआ तो वो कर लेंगे। बट अभी वी आर एक्सप्लोरिंग ऑन फुट, क्योंकि सबसे ज़्यादा मज़ा ऐसे आता है, क्योंकि कैब में आप लोग ऐसे लोकल वगैरह मिस कर दोगे। अभी चलते चलते हम इधर के पूरे नज़ारे ले रहे हैं एंड इट इज़ सो ब्यूटिफुल। उतना ज़्यादा ठंडा नहीं है जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, लाइक इट इज़ बेयरेबल उतना ही है जितना नोएडा में भी हो रहा था, ज़्यादा नहीं है ठंडा। बट मेरी स्किन ड्राई होने लगी है एंड मैंने फाउंडेशन एंड पाउडर लगाया था तो मेरी स्किन ड्राई फील करने लगी है। तो इससे मुझे पता चलता है कि कल से मुझे मेकअप करने के पहले बहुत मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ेगा। और मेरी सांस चढ़ने लगी है ऑलरेडी, क्योंकि बिल्कुल चलने की आदत ख़त्म हो गई है एंड मोटापा बहुत, हाँ मुझे पता है मेरा मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये मेरी मम्मी मुझे बॉडी शेम कर रही है, बताओ। सो मैं आप लोगों को लेके चलूंगी साथ में जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं एंड आई लेट यू नो। बट बहुत अच्छा व्यू है यहाँ का, दिस इज वेयर वी, ओ माय गॉड गाड़ी आ गई, इतनी स्पीड में चल रही है, इतनी छोटी छोटी रोड पे भी गाड़ी। बूढ़ी जनता, मैं ये कह रही हूँ अंकल का काम, तुम जब सारी बातें मत माना करो, ये पानी में आग लगाते हैं यार, ये कैसे तोड़े जाएंगे?
क्या मिला? मम्मी खुली हुई है वो, नहीं वहाँ वो कर रहे भाई, ये क्या कर रही हो मम्मी? आप ही आपके पहाड़ में गिरे हुए रहते हैं, मैं में जाओगी उठा लाना। पापा ये उसी की ब्रांच है, बॉन फायर यहाँ कहाँ लगेगी यार? इसका भी व्यू अच्छा है देख, मोस्ट प्रोबेबली 31st की पार्टी यहाँ पे होगी। हे गाइस, सो आई होप यू आर एंजॉयिंग द व्लॉग। छोटा सा एक ब्रेक लिया है क्योंकि मुझे आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना था। तो मैंने ना अभी 2 सनग्लासेस ऑर्डर किए थे ऑफ ऑफ लेंसकार्ट, क्योंकि उनके एंड ऑफ सीजन सेल ऑन थी एंड आई गॉट रियली ग्रेट डिस्काउंट्स, एंड मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कि व्हाट आई गॉट, बिकॉज मैं जानना चाहती हूँ कि शुड आई कीप देम और आई रिटर्न देम, आई वॉज अ बिट कन्फ्यूज। सो हियर इज़ द फर्स्ट पेयर, दोनों एक ऐसे डब्बे में आए थे, सो बोथ आर एविएटर स्टाइल एंड ये क्लॉथ भी आता है इसके साथ। सो दिस इज़ वॉट द फर्स्ट वन लुक्स लाइक। आई नो अभी मेरी रिंग लाइट इस पर रिफ्लेक्ट कर रही है, बट दिस इज़ वॉट इट लुक्स लाइक ऑन मी। ये मुझे थोड़ा सा बड़ा लगा, बट लेट मी नो इफ आई शुड कीप दिस वन और रिटर्न दिस वन एंड आई विल शो यू द अदर वन, दैट इज द वन दैट आई लाइक बेटर। सो दिस इज़ द सेकेंड वन एंड आई रियली लाइक हाउ दिस वन लुक्स ऑन मी। सो ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, ये दोनों ही बेंसन चेस के हैं। सो ये आप मुझे बताओ कि मेरे पे कैसा लग रहा है, आई रियली लाइक इट ऑन मी। आप लोग मुझे बताओ शैल आई कीप दिस और शुड आई रिटर्न इट। एंड अगर आप लोगों ने लेंसकार्ट पे अभी तक नहीं चेकआउट किया, दे हैव अमेजिंग कलेक्शन ऑफ सन ग्लासेस, पावर्ड ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड अ लॉट मोर, गो एंड चेक इट आउट राइट नाउ। बाकी की सारी डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, सो यू कैन चेक दैट आउट एज वेल एंड कंटिन्यू द व्लॉग एंड कॉमेंट्स में बताना जरूर कि कैसा लगा। जाओ छोड़ जाओगे पीछे, ठंड लग चुकी है मुझे इतनी कि मैंने जैकेट की चेन बंद कर लिया एंड ऑल्सो बिकॉज मुझे बहुत ठंड। पता नहीं इनको भी बीच बीच में दौरे से पड़ जाते हैं। क्या करना चाहते हो पापा? फिर ना दर्द हो जाएगी, रात में रोओगे। गौरव को बोला आ जाओ, जा तो खुद तो साथ में ही आ गए। माल रोड तो नहीं है, पता नहीं इस पर कोई और सी मार्केट सी तो है, मतलब यहाँ पे थोड़ा सिविलाइजेशन ज्यादा है। अच्छा किसी से पूछो अंकल कि कितनी दूर है माल रोड, पता चला हम चले जा रहे हैं। माल रोड कितनी आगे है? माल रोड कितनी आगे? 1.5 किलोमीटर। अभी भी 1.5 किलोमीटर? ये 1 किलोमीटर पीछे अंकल ने भी 1.5 किलोमीटर ही बोला था। उसे प्यार हो गया है, ये हमें छोड़ के जा ही नहीं रहा है, कुछ कह भी नहीं रहा है, बस हम बाजू बाजू चले जा रहे हैं यहीं पर। राजा भाई इट इज ऑलरेडी 4:30 और अभी तक हम लोग चल ही रहे हैं हमारे होटल से। ऑलमोस्ट 5 to 6 किलोमीटर दूर है माल रोड, तो हम वहीं जा रहे हैं। और वो डॉगी हमारे होटल के बाहर से हमारे साइड साइड पे चल रहा था और अभी तक हमारे साथ ही चल रहा है, पता नहीं क्या हो गया उससे, बिल्कुल ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, नहीं आगे ही जा रहा है, ना हमारे साथ चल रहा है ना पीछे जा रहा है, बट हमारे आगे के चल रहा है एज इफ हमारा बॉडी गार्ड है। दिस इज द न्यू लुक फॉर द डे, क्योंकि बाल बचाने बारिश होने लगी है तेज और मैं स्ट्रेट करके आई थी, और मैं फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि ट्रिप पे स्ट्रेटनर भी नहीं रख के लाई और मेरे बाल बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं भीगने के बाद। सो मैं भाई अभी बचा रही हूँ और अभी हम लोग यहाँ पर रुके हैं भुट्टा खाने के लिए, और माल रोड भी ऑलमोस्ट आ ही गया है, वहाँ पर सीढ़ी के पास है, सो अभी हम लोग वहीं जाने वाले हैं। भाई तुम तो दिल्ली से भी महंगे हो, दिल्ली टूरिस्ट प्लेस नहीं रही ना अब, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं माल रोड पे। मुझे नहीं पता इसे माल रोड बोलते हैं मॉल रोड बोलते हैं, बट जो भी है वहीं पहुंच गए और यहाँ पे बारिश थोड़ी ज़्यादा तेज़ हो रही है। अभी हमने भुट्टा भी खा लिया और गोलगप्पे भी खाए और काफ़ी टेस्टी था। गुड बाय लिपस्टिक।
kids are joined. Oh, it is so crowded here. सवा पाँच हो गए हैं और आज का पूरा दिन तो हमारा होटल से लेकर माल रोड तक पैदल आने में निकल गया। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना ज़्यादा दूर है, उतना टाइम लगेगा। तो अभी तो रात भी होने वाली है और बारिश भी तेज़ हो रही है और ठंड भी हो गई काफ़ी ज़्यादा। तो आज तो हम और कुछ नहीं कर पाएंगे, तो थोड़ा माल रोड का शायद से एक चक्कर मार लें। बट अभी हम लोग मैगी खाने के लिए रुक गए हैं। पहाड़ों पे आके मैगी का अलग ही मजा है, तो अभी हम ये एंजॉय कर लेते हैं। बारिश तो ज्यादा तेज हो गई, तो अब हम लोग जा रहे हैं अपने होटल वापस। आज तो माल रोड पहुंचते पहुंचते हमारा पूरा दिन खत्म हो गया, क्योंकि आधे दिन तो हम इधर पहुंचे ही थे और फिर 5-6 किलोमीटर हम इधर चल के आए। अब हम ऑटो करके वापस जा रहे बस कुछ फोटोज खींची आज एंड अब हम जाके डिनर करेंगे। कल देखते हैं कि कहाँ जाना है। भैया इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है, इतनी ज़्यादा ठंड हो गई है। अभी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि ऊपर अटल टनल और सोलांग वैली के पास में स्नोफॉल हो गया है, तो वहाँ की रोड सब बंद हो गई हैं, तो शायद से कल पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। बट अभी मैंने आके चेंज कर लिया इनटू माय नाइट सूट एंड दिस इज़ व्हाट आई लुक लाइक। मैंने इतनी ज़्यादा लेयरिंग करी है, माय गॉड मुझे इतनी ठंड लग रही है, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। हाथ बिल्कुल सुन्न हो गए, पता भी नहीं चल रहा कि हाथ भी है, इतना ज़्यादा ठंडे हाथ हो गए। और अभी तो ये सोच सोच के डर लग रहा है कि अभी मेकअप उतार के सोना है, मुँह कैसे धोएंगे इतनी ठंडी में, बाप रे। बट अभी हम डिनर करने वाले हैं। अभी हम लोगों ने डिनर कर लिया है एंड मैंने डिनर के क्लिप्स दिखाना ही भूल गई, इतनी ज़्यादा सबको भूख लगी थी, बिल्कुल खाने पे टूट पड़े। अभी मैं बालकनी में खड़ी हूँ, मैंने इतनी ज़्यादा लेयरिंग की है कि मुझे अभी बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है, तो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, बस थोड़ा सा हाथों पर लग रही है। एंड द व्यू इज़ डिवाइन, मैं आप लोगों को व्यू दिखाती हूँ यहाँ। आई मीन माई फोन कैमरा इज जस्ट नॉट डूइंग जस्टिस टू वॉट आई एम सींग विद माई आईज, लाइक इट इज़ सो डैम ब्यूटिफुल। और अभी भी हल्की हल्की बारिश हो रही है, आपको हल्का हल्का शायद से यहाँ पर ड्रिजल दिख रहा होगा। मैं ऐसा बोल रहा है सब लोग, क्योंकि इतनी देर से बारिश हो रही है तो स्नोफॉल तो हो ही जाएगी, अगर आज नहीं तो कल हो जाएगी, ऐसा सब लोग बोल रहे हैं। आई एम नॉट श्योर बट आई रियली वॉन्ट टू विटनेस स्नोफॉल वंस इन माई लाइफ एंड आई वॉन्ट कि इसी बार हो जाए। तो आज का दिन तो ऐसा ही गया, हम लोगों ने आके बिल्कुल रेस्ट नहीं किया और घूमने चले गए थे, तो बहुत ज़्यादा अभी तो सब लोग थक गए हैं, तो अभी तो सब लोग जल्दी सो जाएंगे, अभी डिज़र्ट आने वाला है तो डिज़र्ट खा के हम लोग सो जाएंगे। एंड कल का अभी कोई भी फिक्स प्लान नहीं है, हम लोग प्लान करने बैठे थे बट देन वही हो गया कि क्या ही प्लान करोगे, क्योंकि ऊपर तो रोड्स बंद हो गई हैं एंड अभी कुछ भी कन्फर्म नहीं है। तो जो हमने टैक्सी वाले अंकल का नंबर ले लिया था जब हम वापस आ रहे थे, तो उन्होंने बोला कि वो सुबह 8 बजे कॉल करके हमको बता देंगे कि कौन कौन से रोड्स खुल रहे हैं, क्या क्या विजिट कर सकते हैं। सो वील प्लान दैट अकॉर्डिंगली एंड yeah I'll sign off for the day, I'll see you guys tomorrow. Hi guys, good morning. So this is the next day here in Manali और हमको ऐसा लगा था कि रात में पक्का बर्फ़ पड़ जाएगी एंड ऑल दो बर्फ़ पड़ी है, बट जहाँ पर हम स्टे कर रहे हैं वहाँ पर नहीं पड़ी है। लाइक मनाली मॉल रोड वगैरह पर भी मुझे नहीं दिख रहा है कि बर्फ़ पड़ी है। एंड जिधर हम स्टे कर रहे हैं ये होटल है हामटा रोड इन प्रिनी, तो यहाँ पर भी अभी स्नोफॉल तो नहीं हुई है बट अभी तक बारिश हो रही है। एंड इग्नोर माई फेस, मैं जस्ट अभी उठ के आई हूँ एंड बहुत ज़्यादा ठंडी हो रही है, मतलब आज टेम्परेचर बहुत डाउन है, आज ठंड लग रही है, कल उतनी ठंड लग नहीं रही थी, बट इट इज़ वेरी वेरी चिली हियर और मेरे हाथ जम रहे हैं। अभी जाके मैं ग्लव्स पहनने वाली हूँ, तो मैं आप लोगों को वेदर दिखाती हूँ। सो एज़ यू कैन सी हर जगह फॉग हो रहा है, जो कल की मैंने आपको वीडियोज़ दिखाए थे उसमें सामने तक पूरे माउंटेन्स दिख रहे थे, जो स्नो गिरी थी माउंटेन्स पे वो सब दिख रहे थे, अभी वो सब फॉग से कवर हो गए हैं। और जो ये वाला एरिया है यहाँ पे कल बर्फ़ नहीं थी, इट वाज एब्सोल्युटली ग्रीन, और अगर अभी आप देखोगे तो ये सब कुछ वाइट हो चुका है। सी इतनी ज़्यादा यहाँ पे बर्फ़ पड़ गई है, तो बर्फ़ तो पड़ी है
बट जहाँ पे हम स्टे कर रहे हैं अभी वहाँ तक नहीं आई है, बट यू कैन सी इट इज़ ऑल ड्रिजलिंग, बारिश हो रही है अभी. दिस व्यू आई एम रियली गोना मिस इट. मुझे अभी से इसकी याद आने लगी है, जबकि अभी तो मैं यही हूँ और मुझे एक ही दिन हुआ है, बट आई एम लविंग इट. लाइक वेकिंग अप टू दिस व्यू और क्या चाहिए लाइफ में, एंड लाइक बींग अ पहाड़ी, आई जस्ट लव 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 माउंटेन. बचपन से इवनिंग में रही हूँ, सो यहाँ आके मेरा दिल अलग ही खुश हो जाता है, इतना ज़्यादा सुंदर है सब कुछ. तो अभी हम लोग उठ गए हैं, अभी अराउंड 8:30 हो रहे हैं, एंड मैं अभी फ्रेशन अप होके देन वील गो टू द ब्रेकफास्ट बूफे आई थिंक लग चुका होगा, सो अभी हम लोग वहीं जाएंगे. और उसके बाद थोड़ा सा रूम भी साफ करना है, क्योंकि कल जितनी चीज़ें उतारी थी आलस आ रहा था और ठंड लगी थी रात में, तो हम लोगों ने ऐसे ही डाल दिया लगेज के ऊपर. तो अभी हम लोगों को ब्रेकफास्ट करके आए हुए, थोड़ा टाइम हो गया है और हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे थे कि आज क्या करना है, क्योंकि हमारा जो कल वाला कैब ड्राइवर था उसने तो मना कर दिया कि मैं तो नहीं जाऊंगा, बिकॉज वट एवर रीजन्स जो भी, मतलब रोड ब्लॉक वगैरह वगैरह वो बोल रहे हैं. बट हम लोगों ने सोचा कि एक बार होटल के यहाँ पे भी शायद से कैब सर्विस है, तो उनसे एक बार पूछ लेते हैं कि मतलब सही में ही रोड ब्लॉक्स है या क्या प्लान है. अगर वो लोग कहीं जाएंगे तो फिर हम लोग इधर से ही कैब करके कहीं चले जाएंगे, बट अगर वो भी मना कर देते हैं दैट मीन्स फिर तो कोई भी हाँ नहीं बोलेगा. सो अभी भाई और अंकल भाई कन्फर्म करने गए हैं, मुझे बोल के गए कि तू रेडी हो जा, कहीं तो जाएंगी. तो अभी मैं वेट कर रही हूँ कंफर्मेशन का कि जा रहे हैं या नहीं, तभी रेडी होंगी, वरना काम का रेडी होके बैठ के क्या ही करना है. जस्ट लुक एट दिस, इट इज ऑल वाइट, यू कांट सी एनीथिंग. बट अभी फिलहाल बारिश तो रुक गई है, थोड़ी क्या पूरी रुक गई है बारिश तो वही हो रहा है कि बारिश दोबारा ना आ जाए. मेनी आवर्स लेटर, तो अभी हम लोग सब लोग तैयार हो गए हैं, क्योंकि लास्ट टाइम पे डिसाइड हुआ कि हम लोग हमटा पास जा रहे हैं शायद से. तो मैं रेडी हो गई हूँ, आंटी भी रेडी हो गई है, और बाकी सब लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं गाड़ी का. जो कैब वाले ने अभी बोला था हमको हमटा पास लेके जाएगा, उसने अभी एंड मोमेंट पे फिर से कैंसिल कर दिया है, तो अभी हम लोग दूसरी कैब का वेट कर रहे हैं. एंड मैं आपको अपना हवा दिखाती हूँ. क्या करोगे इनसे? यही छुपा दो इनको, फिर शाम को लेना. मेरे बैग में जगह नहीं है. अंकल के बैग में है क्या? ये क्या? ये अंकल पाइन कोन होते हैं, चीड़ के पेड़ के. पेड़ का पेंटिंग है. हाँ वही, मम्मी को इनको सजाना है घर में. अच्छा लग रहा है ना? पहुँच जाओगी? हम यहाँ गाड़ी का वेट कर रहे थे, उतने में मेरे भाई और मम्मी को ऐसा लगा कि वो ज्यादा स्ट्रांग है, तो चल दिए थे पैदल कि तुम गाड़ी से आओ, हम पैदल जा रहे हैं. और अगले ही 5 मिनट बाद ये कौन है? ये तो मेरी मम्मी है. कैसे आ गई नीचे? वो तो हम तुमको छोड़ के जाना नहीं चाह रहे थे, इसलिए. वहां तक कैसे गई थी? वो तो हम देख रहे थे कैसा रास्ता है. कुत्ते से मिलने गए थे. एक पिल्ला नहीं देखा तूने? पहले हम लोगों को गाड़ी नहीं मिल रही थी, इतना लेट हो गया था गाड़ी मिलने में, तो हम लोगों ने लंच ऑर्डर किया. आप लोगों ने देखा था जैसे पिछली क्लिप में इतना केओस हो गया था. उसके बाद जो मुझे नहीं चाहिए था वही हुआ, हमारी गाड़ी और हमारा खाना साथ में आ गया. तो अभी अंकल और गौरव होटल में खाना पैक करवा रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे आए थे, इन लोगों ने बोला कि ऊपर जाने के लिए हम लोगों को ये स्नो सूट पहनना पड़ेगा, तो हम लोगों ने ये लिया है अभी. एंड अभी हम लोग ये पहन के जाएंगे. मैं सुबह इतनी मेहनत से तैयार हुई थी आउटफिट प्लान करके, और अभी ये कार्टून बना दिया पहना के मुझे. मैंने आंटी सच्ची में सोचा था कि बर्फ में मैं फोटो खींचूंगी, इतनी बढ़िया से तैयार हुई थी मैं. अब बताओ ये पहना बर्फ में ये कपड़े नहीं पहने जाते बेटा. आंटी ऐसा नहीं कर सकते कि वहां बर्फ में पहुंच के ये उतार के फोटो खींच के फिर पहन लो? थोड़ा सा देखते हैं, हो सकेगा तो, है ना, लेकिन पॉसिबल नहीं है.
देखते हैं अगर हो जाएगा, अगर हो जाएगा, अगर मौसम खुला खुला होगा और बारिश वारिश नहीं पड़ रही होगी ना तो थोड़ी देर 15 मिनट के लिए उतार देंगे, वरना सारे फोटो तो इसी में आएंगे जो अंदर पहने उसमें फोटो का आएंगे बर्फ। सो दिस इज अ लेसन लर्न्ड, मैं भी कभी अगली बार इधर की तरफ आऊंगी या आप लोग आते हो तो ध्यान रखो कि आपको कहीं भी जाना है तो कैब्स वगैरह टैक्सी वगैरह की बुकिंग एक दिन पहले ही करके रखो, वरना तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। हम लोग 11 बजे के निकले हुए थे और अभी 2 बज चुके हैं और अभी तक हम लोग यहाँ से निकले नहीं है। सो दैट इज समथिंग यू नीड टू कीप इन माइंड, बट अभी थैंकफुली हम लोगों को गाड़ी तो मिल गई है एंड ये कार्टून के कपड़े भी हमने पहन लिए हैं, तो अभी हम लोग उधर जाते हैं। होपफुली इट ऑल टर्न्स आउट गुड, एंड में अगर नज़ारा वगैरह अच्छा हुआ तो इट विल ऑल बी वर्थ इट, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये आ रहा है हमारा छोटा हाथी। हेलो छोटा हाथी। ले लद्दाख भी चलती है गाड़ी, पर ऐसे कि पीछे उसमें नहीं बिठा सकते ना, रोड रोड के रूल्स हैं। I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away. Like a card, never change, play the game that we say. I need a break. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. अब हम लोगों ने यहाँ पे रुके हैं, सेथन विलेज है यहाँ पे। इससे तो ऊपर जाने का भी कंफर्म नहीं है बिकॉज अभी स्नोफॉल स्टार्ट हो गई। आई डोंट नो आप लोगों को कैमरा पे दिख रही है कि नहीं, बट धीरे धीरे बहुत हल्के हल्के फ्लेक्स दिख रहे हैं। मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ, फाइनली मुझे बर्फ पड़ते हुए देखने को मिल गई है। मतलब सब कुछ व्हाइट है, इतना सुंदर है यहाँ पे सब कुछ। इनके तो ठंड दिमाग में बैठ गई है। Game face on when I chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'm a swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise if you hate on that. I don't play both sides, doing me no cap. I'm a ride or die for my dreams on tap. I'm a fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to. देखो भाई, अगर तो न्यू ईयर के आसपास मनाली में लैंडस्लाइड या अर्थक्वेक की पता चलती है बातें, तो आप लोगों को रीजन पता है किसको पकड़ना है। ये हमारा छोटा हाथी बिल्कुल ही पागल हो गया है। तो गाइस फाइनली मुझे वो मिल गया है जिसके इंतजार में मैं मनाली आई थी। ये फिनाइल है, फिनाइल नहीं, ये है रुगड़ी। ये मनाली की स्पेशलिटी है, ये अल्कोहलिक होती है और ये यहाँ पे चावल को फर्मेंट करके बनाई जाती है। इसकी स्मेल तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर मुझे ट्राई करनी थी कि ये कैसी होती है, तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ इज इट वर्थ इट और नॉट। ले भाई क्या पता डाइल्यूट करके पीते हो। मैं तेरे मम्मी से ढक्कन लगा दूं, तेरे से चखूं। नहीं पहले मैं चख लूं, तू चुप रह। नहीं ना, नशे की बात नहीं है, गिलास डाल दी स्पेशलिटी। पहले डालो फिर भी गंदी होगी ना भाई। बस पता है कैसी हो रही है, बिल्कुल अल्कोहल की तरह कड़वी नहीं हो रही पर खट्टी हो रही है। हां छा सड़ी हुई छा है। हां
अभी हम लोग जा रहे हैं मोमोज ढूंढने, क्योंकि हमें मोमोज खाने हैं। जहाँ पे हम लोग बैठे थे वहाँ पे हमें सिर्फ चिकन मोमोज मिल रहे हैं, सॉरी वेज मोमोज मिल रहे हैं। तो हम चिकन मोमोज की तलाश में निकल चुके हैं, और उन्हीं आंटी के पास अंदर रुगड़ी भी थी, तो हम लोगों ने बॉटल खरीदी, और वो बिस्लेरी की जो बॉटल होती है उसमें उन्होंने डाल के दिया था। एंड 2 लीटर, 1 लीटर की बॉटल थी ना, 1 लीटर की बॉटल थी, उन्होंने हमें 200 रुपीज़ की दी। और वो बिल्कुल ऐसे हो रही है जैसे मट्ठा होता है, और वो मट्ठा ज़्यादा दिन फ्रिज में रखा रह जाए तो वो एक्स्ट्रा खट्टा हो जाता है। एग्जैक्टली वही टेस्ट है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो रुगड़ी ऑथेंटिक थी कि नहीं थी। एनीवेज एटलीस्ट वी ट्राइड, एंड अगर आपको भी ट्राई करना होता मनाली आओगे तो रुगड़ी ज़रूर पीना। गाइस अब हम लोग वहाँ से निकल गए हैं, वापस जा रहे हैं होटल को। अभी बज रहे 4:45 और हम लोग नीचे आ गए हैं। नीचे आ गए मतलब अभी हम लोग गाड़ी में हैं, और ये जो गाड़ी है ना ये पीछे से वो ओपन वाला ट्रक है, तो क्योंकि आगे सिर्फ 4 लोग बैठ सकते थे तो वापस आते टाइम तो मम्मी और गौरव बैठे थे, और अभी मैं और गौरव पीछे खड़े हैं। और बैठने में तो काफ़ी सेफ है, खड़े होने में ऐसे लग रहा है कि नीचे ही छटक जाएंगे, बट द व्यू इज सो डैम वर्थ इट। लेट मी शो यू गाइस, इट इज सो डिफिकल्ट टू से बाय टू दिस प्लेस, इट इज सो ब्यूटिफुल, ओ माई गॉड, आई एम हैविंग द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ। यहाँ पे इतना ज़्यादा स्लिपरी हो रहा है, हम लोगों के टायर स्लिप करने लगे थे, एंड एकदम से उधर काफ़ी ज़्यादा क्राउड भी था, तो हमारी गाड़ी ना स्लिप हो गई थी, और सबके ऊपर ही या तो भिड़ती या सीधे नीचे जाती, तो ड्राइवर ही डर गया था, एंड फिर डर के मारे सब लोग नीचे उतर गए थे। तो थोड़ा सा रास्ता हम भी पैदल चल के आए, और मेरी मम्मी इतनी एंग्शियस हो गई क्योंकि हम इधर पीछे ओपन में बैठे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा था कि स्लिप होगी तो हम पीछे से छटक जाएंगे, आई डोंट नो कैसे, बट उनको अभी काफ़ी एंग्जाइटी हो रही है। अभी वो लोग सब अंदर बैठे हुए हैं, एंड मैं और मेरा भाई यहाँ पे बाहर मतलब पीछे बैक में बैठे हुए हैं, वो खड़ा है। तो इट वॉज स्कैरी बट क्वाइट इंटरेस्टिंग एज वेल, एंड अभी डर लग रहा है क्योंकि ड्राइवर के चेहरे पे वो डर दिख गया था ना, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा घबराहट हो गई है कि नीचे सेफली पहुँचेंगे कि नहीं। जी हाँ, द व्यू इज़ ब्यूटिफुल, ऐसे में घर मैं वो तो कह रही हूँ, सुन ऐसे भी हूँ मैं तो मरना भी मंजूर है। फाइनली घर पहुंच गए हैं, एंड ओ माई गॉड आई लुक सो टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड, क्योंकि जब हम वापस आ रहे थे ना उस टाइम पे इतनी बार टायर स्लिप कर रहे थे, एंड लाइक बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था, और फिर रात भी हो गई थी तो ठंड भी ज़्यादा पड़ गई थी, पर बहुत ज़्यादा मज़ा आया, वो स्नो सूट उतारा है। तो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी, लाइक माई 2 डेज इन मनाली, एंड आई एम सो 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 हैप्पी, आई एम लिविंग द बेस्टेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। 2022 के सबसे अच्छे दिन हैं जो यहाँ बीत रहे हैं, सुबह उठते ही दिल खुश हो जाता है, मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, और इसमें मैंने अपनी पूरी कोशिश करी है अच्छे से ब्लॉग करने की। आई होप आप लोगों को मज़ा आया हो मेरी नज़र से मनाली देखने को, और अगर आप लोगों को भी ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक करो, अगले पार्ट के लिए वेट करो, सब्सक्राइब करो, और नीचे कमेंट्स में मुझे बताओ आपको कैसा लगा, आप लोगों के न्यू ईयर में क्या प्लान्स थे, आपने कैसे न्यू ईयर सेलिब्रेट किया, और आपके क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशंस हैं। मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, अभी इतनी ठंडी लग रही है। सब कुछ नीचे कॉमेंट करो, लाइक कॉमेंट शेयर सब्सक्राइब, डू ऑल दैट गुड स्टाफ, एंड 2023 में आई होप यू ग्रो द चैनल एज मच एज पॉसिबल। अभी ये व्लॉग यहीं पे एंड करूंगी, आई विल सी यू सुपर सुपर सून इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय।